हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित एक वीडियो बनाया है, ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठाकुर शैली। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। बंगाल स्कूल की मूल भावना क्या थी? शास्त्रीय एवं परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश। अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? पश्चिमी यूरोपीय शैली, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का प्रभाव पड़ा। वास पेंटिंग की रंग योजना कैसी थी? धूमिल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके परामर्श से बंगाल कला को जन्म दिया? ई बी हैवेल। बंगाल कला क्या थी? कला आंदोलन। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ ने अपनी मुगल श्रृंखला किस तकनीक में बनाई? वास तकनीक में। भारत माता को पहले किस नाम से जानते थे? बंग माता। बंग माता को भारत माता नाम किसने दिया? सिस्टर निवेदिता ने। ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए? कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल। 1920 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन कलकत्ता, ये शांति निकेतन जो है वो कलकत्ता में है, में अध्यक्ष पद पर रहे अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो चाचा थे अवनींद्रनाथ टैगोर के। अवनींद्रनाथ की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित है, किसने लिखा है? स्टेला क्रेमरिस ने। अवनींद्रनाथ के चित्रों की कहाँ और क्यों आलोचना की गई? बंगाल में आलोचना हुई थी, क्योंकि इनके चित्रों में चीनी रेखा तथा जापानी वास तकनीक का अनुकरण था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ के गुरु कौन थे? सिनोरद लार्डी। अवनींद्रनाथ का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा था? शुक्लाभिसारे इनका काफ़ी फेमस चित्र था। अवनींद्रनाथ ने रेखा चित्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की? श्री पामर से। अवनींद्रनाथ ठाकुर किसके लिए जाने जाते हैं? जल रंग वास तकनीक के लिए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी थी? 20। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शैली कैसी थी? समन्वयवादी। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित प्रमुख चित्र, इनके कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं तो आइए हम उसे देखते हैं। चंडीदास एवं विद्यापति, शुक्लाभिसारे, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, ये काफ़ी फेमस चित्र है, मायामृग, अभिसारिका,
उमर खयाम, गणेश जननी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है। शाहजहाँ के अंतिम दिन, पासिंग ऑफ शाहजहाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत माता, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भारत माता 1905 ईस्वी में बनाया गया था। भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, लैला मजनू, कवि कनकन, चंडी व कृष्ण मंगल, आलमगीर, नूरजहाँ, औरंगजेब, ऋतु संहार, कच यानी फेरीलैंड, वीड़ावादक, त्रिश्य रक्षिता, औरंगजेब का बुढ़ापा, ताजमहल को निहारता शाहजहाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र है। स्वतंत्रता का स्वप्न, महाप्रयाण, अंतिम यात्रा, प्रणय दूत, अलिफ लैला, सांध्यदीप, जीवन संध्या, कोहरा व संध्या, ताजमहल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र हैं। अवनींद्रनाथ से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट और चित्र है, जिसे मैं आप लोग को डिटेल में अभी बता रहा हूँ। यात्रा का अंत, इंग्लिश में इसे जर्नीस एंड बोला जाता है, तो आइए हम उसे डिटेल में आप लोग को बताते हैं। ये चित्र है, आप चित्र को देख लें। यात्रा का अंत, इंग्लिश में इसका नाम है जर्नीस एंड। आइए अब हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। चित्र का नाम है यात्रा का अंत, चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका माध्यम क्या है, मीडियम कागज पर जल रंग, वाटर कलर ऑन पेपर से बनाया गया है। इसका समय क्या है, 1937 ईस्वी में यह बनाया, 1937 AD। काल इसका जो समय है आधुनिक, पीरियड इसका है मॉडर्न, तकनीक टेम्परा और वास, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कलेक्शन कहाँ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये संग्रहित है। इस चित्र को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1937 ईस्वी में जल रंगों की वास एवं टेम्परा विधि से चित्रित किया था। बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित होने के बाद कला की इस महान कृति को पहली बार पहचान मिली। बंगाल पत्रिका प्रवास, प्रवास क्या है, एक बंगाल पत्रिका, ये भी एक क्वेश्चन है। इस चित्र में ऊंट को पीले भूरे पीले भूरे रंग से तथा उसकी पीठ पर लदे भारी भरकम सामान को नीले काले भूरे व पीले रंगों का उचित संयोजन करके रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया है। थके हारे व भूखे प्यासे ऊंट की मनोदशा व कष्टों को उसकी आधी खुली आंखों से तथा निढाल पड़े शरीर से यात्रा का अंत के रूप में अव्यक्त किया गया है। यहाँ पे इस चित्र में आप देखिए, ये पीले रंग से ऊंट को बनाया गया है, पीले और भूरे रंग से। उसकी पीठ पर लदे सामान नीले रंग से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीले रंग से बनाया गया है। भूरा व पीले रंगों का उचित संयोजन है, यहाँ पे रस्सियों से बांधा हुआ दिखाया गया, ये रस्सी से कुछ ये बांधा गया इस पर। थके हारे भूखे प्यासे ऊंट की मनोदशा कष्टों से उसकी आधी खुली आँखों से तथा ये आधी अर्धनिर्लिप्त आँखें यहाँ पे हैं, आधी खुली हुई, यात्रा का अंत के रूप में अव्यक्त किया गया है, ये आगे की तरफ गिरा हुआ है। उसकी पीठ पर लदा भारी बोझ मालिक द्वारा किए जा रहे चरम शोषण व जुल्मों का प्रतीक है, फिर भी यह जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार बने रहना चाहता है, इसलिए पूरी हिम्मत व साहस के साथ वह फिर से उठने का प्रयास करता है। ऊंट की इस मुद्रा व छवि को स्पष्ट करने के लिए कलाकार ने उसके नीचे के पत्थरों को नीले रंग की आभा प्रदान की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीले रंग से ये पत्थर को बनाया गया, ये उठने का प्रयास कर रहा है। पृष्ठभूमि में लाल
पीले व भूरे रंग के उचित संयोजन से सूर्यास्त के समय रेगिस्तान के वातावरण में जो लालिमा दिखाई पड़ती है उसका वास्तविक एहसास इस चित्र के माध्यम से कराया गया है। यहाँ पे आप देखिए इस चित्र में पृष्ठभूमि ये लाल रंग से है, लाल पीला व भूरा, लाल यहाँ पे पीला और भूरे रंग के अच्छे समन्वय के साथ यहाँ पे संयोजन के साथ दिखा सूर्यास्त के समय जैसा एक दृश्य होता है उस तरह का रेगिस्तान के वातावरण में जो लालिमा दिखाई गई है यहाँ पे उसका वास्तविक एहसास कराया गया इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया यात्रा का अंत होते हुए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है और लगभग हर एक बार KVS NVS DSSSB एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से डिटेल में याद रखें। तो दोस्तों इस तरह से हमने अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे बता दिया है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्त हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।